मैं हूं नदीम सामटिया और आज मैं आपके साथ बहुत मज़े की चीज़ें शेयर करने जा रहा हूं और वो सारी फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, ऑनलाइन के रिलेटेड होंगी। और यहां पे हम टिकट बुक करवाने आए थे और सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए यहां पे इस मौके पे। और आप देख सकते हैं ये सारा आपको नज़र आ रहा है। हम इस्लामाबाद जाने के लिए सीट बुक करवानी थी और सोचा चलो आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर किया जाए। तो फ्रीलांसिंग में मैंने कल आपके साथ टिप्स शेयर किए थे कि आपने अपनी जो है फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट करने से पहले किन किन चीज़ों की केयर करनी है, एहतियात करनी है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले। और मैंने आपके साथ वो भी शेयर किया था कि लोग फ्रीलांस क्यों करवाते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ कैटेगरीज भी शेयर करूँगा, लेकिन मैं ये बताऊँगा कुछ जो बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर जो होते हैं वो क्लाइंट्स को हैंडल नहीं कर पाते। क्लाइंट्स वो मैंने एक चीज़ नोट की आज, ये एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए आपको साथ बायर्स के साथ, आपने बात कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है और उनसे आपने प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म कम्युनिकेशन क्या होती है। आपने सबसे पहले उसे हाय या हेलो बोलना होता है ताकि उसे पता चले कि बंदा आपके पास जैसे ही क्लाइंट आता है आपने उसको इनबॉक्स करना होता है फ़ौरन से फ़ौरन, जितना जल्दी हो सके उसे इनबॉक्स करें और उसे कम से कम उसे ग्रीटिंग्स का मैसेज करें, उसे पता चले कि यह बंदा जो है ये बंदा कॉम्पिटेंट है और ये बंदा जो है इसमें प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनल एटीट्यूड है और ये बंदा काम करना जानता है और इसको प्रोफेशनल एटिकेट्स का पता है। जब आप ग्रीटिंग्स करेंगे उसके बाद आप उसको उसके जो उसने उसको रिक्वायर है आपसे उससे पूछेंगे कि आपके रिक्वायरमेंट क्या हैं, आपको क्या चाहिए और उसका प्रॉब्लम सुनेंगे पहले कम्प्लीटली। जब प्रॉब्लम सुन लेंगे फिर आप उसे एंगेज करेंगे, उसे बताएंगे कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसके लिए आप इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करेंगे। और जब आप उसको उसका बेस्ट सोल्यूशन बताएंगे उसके बाद आप उसके साथ बजट डिस्कस करेंगे कि आप ये काम कितने डॉलर में करके देंगे या कितने में आप कर सकते हैं। आप क्लाइंट को देख लें, क्लाइंट को वो बजट बताएं कि वो भागे भी ना और रीज़नेबल बजट बताएं, थोड़ा सा ज़्यादा बता दें अगर वो आपसे उसे लगता है कि ये ज़्यादा है, आप उसके साथ भी नेगोशिएट कर लें, मैसेज कर दें कि अगर आपको बजट ज़्यादा लगता है तो हम नेगोशिएट भी कर सकते हैं प्राइस। और इस तरह ये होता है कि ये बेस्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल। और दूसरा अंग्रेज चाहते हैं आप उनके साथ कनेक्टेड रहें, जितना आप क्लाइंट्स को या बायर्स को अपडेट रखते हैं, जितना आप उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं तो वो इसको बेहतर समझते हैं। ये एक पॉजिटिव वे है, आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे या आप कहीं मसरूफ़ हैं, कम से कम आप उनको अपडेट करेंगे उनका काम कहां तक पहुंचा है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है। ये चीज़ें बड़ी प्रोफेशनलिज्म में आती हैं कि एक बंदा एक चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा है। हमारे अंदर पता है क्या होता है कि हमने ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सीखी कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते अपनी लाइफ में कि आप एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसका काम पूरा करें। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक क्लाइंट है उसकी सुबह प्रेजेंटेशन है, उसने प्रेजेंटेशन देनी, वो आपसे प्रेजेंटेशन बनवाना चाह रहा है। आप सोचें उसने आपको काम दे दिया, आप पे डिपेंड कर दिया कि ये बंदा बना के देगा, मैं सुबह जाके प्रेजेंट कर दूंगा। आपने उसकी प्रेजेंटेशन बनाई नहीं है तो उसे कितना दुख होगा, कितना उसका लॉस होगा। ये चीज़ें प्रोफेशनल एटिकेट्स में आती हैं कि जो आप उसके साथ कमिटमेंट कर रहे हैं आप उसमें पूरा उतरें, उसको करके दें काम। और ये चीज़ें आपको सिखाती हैं प्रोफेशनलिज्म। मेरा मशवरा है आप जितना बेहतर कम्युनिकेट करते हैं क्लाइंट से और जितना आप उनके साथ पोलाइट होते हैं, इवन के बायर्स आपको एंड पे टिप भी दे जाते हैं। ये टिप का एक अच्छा सोर्स हो सकता है ज़रिए, आप एक टिप है मेरी तरफ से कि अगर आपने क्लाइंट से टिप लेनी है तो उसके साथ जितना हो सके पोलाइट रहें, जितना हो सके उसको रिस्पॉन्स दें और उसको अपडेटेड रखें, वो आपको एट दी एंड खुद बखुद टिप दे के जाएगा। और मैं अक्सर ये करता हूँ कि मेरा क्लाइंट अगर बहुत ज़्यादा खुश होता है जो मैंने काम करके दिया है तो मैं उसे एंड पे कहता हूँ कि अगर आपको ये काम मेरा पसंद आया आप टिप भी प्लेस कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी कि अगर आप कोई टिप प्लेस करेंगे, मांगने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर क्लाइंट दे दे तो आपके छक्के हैं और ना भी दे तो आप उसे कोई और फेवर दे सकते हैं। और आप अगर मेरी मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।